दोस्तों वन प्लस टीवी मार्केट में एंटर कर चुका है। उन्होंने इंडिया में दो टीवीज लॉन्च किए हैं। उनके जो टीवीज हैं कमाल के हैं, इनफैक्ट रिमोट भी कमाल का है। इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस टीवी का जो टॉप एंड मॉडल है 55Q1 प्रो उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, उस टीवी के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोगी और ये है वन प्लस 55Q1 प्रो। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूं। अब ये देखिए पीछे से टीवी इस प्रकार का दिखता है और यहां पर साउंड बार जो है वो छुपा हुआ है। टीवी के साथ में ये बड़ा डिब्बा भी मिला है जिसमें वॉल माउंट किट है और स्टैंड है। इसका जो स्टैंड है बहुत ही भारी किस्म का है। टीवी के इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा आया हुआ था जिसने ये इंस्टॉलेशन किया है और ये देखिए जो स्टैंड है उसे इस प्रकार से इस टीवी पर लगाया गया था। जैसा कि मैंने कहा ये जो टीवी है थोड़ा सा अलग किस्म का है और इसका जो स्टैंड है एकदम यूनिक किस्म का है। ये देखिए जो स्टैंड है काफी भारी है और अगर आप इसका डिजाइन देखें तो सिंगल रॉड पर इस टीवी को बैलेंस किया हुआ है। वैसे अगर आप ये टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो जो इंस्टॉलेशन है वो आपको फ्री मिलने वाला है। आप स्टैंड पर भी लगा सकते हैं और वॉल माउंट भी कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से किया हुआ है। ये देखिए पोर्ट्स है और इसका जो कवर है ये मैग्नेटिक है। जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएगी जिसका उपयोग करके आप स्टैंड लगा सकते हैं। साथ में वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है और इसके अलावा आपको इस टीवी का यूजर मैनुअल भी मिलता है जिसमें आपको इस टीवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी और कुछ क्विक इंस्ट्रक्शन गाइड्स भी हैं किस प्रकार से आप इस टीवी को माउंट कर सकते हैं, वॉल माउंट या फिर स्टैंड पर, और यहाँ पर स्टैंड पर किस प्रकार से आपको ये टीवी को लगाना है उसके बारे में एक बुकलेट दिया हुआ है, एक तरह से यूजर मैनुअल। USB टू USB टाइप सी डेटा केबल भी दिया हुआ है, साथ में ये AV केबल भी दिया हुआ है और रिमोट भी कमाल का है। देख सकते हैं कि एकदम यूनिक किस्म का है। ऐसा रिमोट आपने कोई भी टीवी के साथ में नहीं देखा होगा, एकदम यूनिक किस्म का है। वॉल्यूम रॉकर साइड में दिया हुआ है और जो रिमोट है इसमें बिल्ट इन बैटरी है, USB टाइप सी पोर्ट है जिसका उपयोग करके आप इस रिमोट को चार्ज कर पाएंगे। ये देखिए टीवी को स्टैंड पर रख दिया है, बहुत ही गजब का दिखता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। पीछे से ये इस प्रकार का दिखता है, देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन डिजाइन है, दूसरे टीवीज की तरह नहीं है। ओवरऑल इस टीवी का बिल्ड और फिनिशिंग काफी बढ़िया है और इसमें साउंड बार भी दिया हुआ है जो कि छुपा हुआ है। जब तक आप टीवी को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप साउंड बार को देख नहीं पाएंगे। और ये देखिए साइड से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है, काफी स्लिम है, यूनिक किस्म का कर्वी डिजाइन है। और ये जो बड़ा सा बॉक्स आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, इसके अंदर साउंड बार छुपा हुआ है। अब ये देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है, जब आप टीवी को ऑफ करते हैं तो देखिए किस प्रकार से जो साउंड बार है नीचे जो पीछे की तरफ बेस दिया हुआ है उसमें अंदर चले जाता है, ये देखिए। और जब आप इस टीवी को ऑन करेंगे तो जो साउंड बार है बाहर आ जाता है और कुछ LED हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो लाइट अप हो जाते हैं, देखिए इस प्रकार से साउंड बार पर। ये 55 इंचेस का 4K स्मार्ट टीवी है, QLED स्क्रीन के साथ में आता है, 4K रेजोल्यूशन है और डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। बेजललेस डिजाइन है और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ में ऑक्सीजन प्ले इंटरफेस है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये जो स्लाइडिंग साउंड बार है काफी यूनिक किस्म का है, 50W का आउटपुट है। 8 स्पीकर स्टीरियो सिस्टम है, 3-way डिजिटल क्रॉसओवर, 6 चैनल एम्पलीफिकेशन। तो बेसिकली ये जो टीवी है इसमें बिल्ट इन साउंड बार है, आपको अलग से साउंड बार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और वो क्यों ना हो इसमें QLED स्क्रीन का जो उपयोग किया गया है। और ये जो रिमोट है ये भी खास किस्म का है, दिखता भी काफी बढ़िया है और बहुत ही कम बटन्स के साथ में आता है। ये देखिए साइड से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है, मैट फिनिशिंग के साथ में आता है और बेजललेस डिजाइन है। इस टीवी का जो बैक है एकदम क्लीन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है, ये देखिए इस प्रकार से ये खुल जाता है और यहाँ पर आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये देखिए पावर का जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, USB 2.0, USB 3.0, 4 HDMI पोर्ट्स, इथरनेट, ऑप्टिकल और AV-IN पोर्ट्स। तो ये सारे पोर्ट्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक किया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप केबल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसे आप बंद कर सकते हैं, बहुत ही नीट किस्म का लगता है। वन प्लस टीवी का जो रिमोट है एकदम यूनिक किस्म का है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही
अलग दिखता है दूसरे रिमोट्स के मुकाबले। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इसमें बिल्ट इन बैटरी है। ये देखिए यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके जो रिमोट है इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और देख सकते हैं कि रिमोट पर एक डेडिकेटेड प्राइम वीडियो का बटन भी दिया हुआ है। तो इस रिमोट पर बहुत ही कम बटन्स हैं और इसका उपयोग करके आप TV को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑक्सीजन प्ले UI रन कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल एंड्रॉयड UI रन कर सकते हैं। तो इसमें आपको Amazon प्राइम वीडियो का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन Netflix अब तक ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन वो जल्दी ऐड हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो ये बस दूसरे एंड्रॉयड TV की तरह ही है। आपको गूगल प्ले का एक्सेस मिल जाता है और वहाँ से आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये TV MEMC भी सपोर्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट्रा स्मूथ मोशन का। इसका उपयोग करके आप जो एक्शन सीक्वेंस है उसे और भी स्मूथली देख पाएंगे इस TV पर। वैसे अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। रिमोट पर ही गूगल असिस्टेंट का एक स्पेशल डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। अब मैं आपको मेरा एक वीडियो प्ले करके बताता हूँ और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी कैसी है। सस्ता भी है, महंगा इसलिए क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ओवरऑल कॉस्ट ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 1,10,000 रुपीस के आसपास। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये देखिए ये है OnePlus Connect एप्लीकेशन जिसका उपयोग करके अगर आप वही सेम नेटवर्क पर है जिस पर आपका जो TV कनेक्ट है तो इस ऐप के जरिए आप TV के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो स्मार्टफोन है इसे आप एज ए रिमोट कंट्रोल की तरह उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से स्वाइप कर रहा हूँ और TV पर भी स्वाइप हो रहा है। ये अब एंड्रॉयड का जो होम पेज है वो आ गया है। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को एज ए रिमोट कंट्रोल की तरह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब देखिए TV पर मैं YouTube वीडियो प्ले करने वाला हूँ और मेरा जो स्मार्टफोन है वो TV के साथ में कनेक्टेड है, मतलब कि मैं स्मार्टफोन को एज ए रिमोट कंट्रोल की तरह उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे कॉल आता है ध्यान से देखिए क्या होता है। बिना बॉक्स खोले भी आप इस प्रकार से इसे खोल सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेडफोन है किस देख सकते हैं कि जैसे ही मुझे कॉल आता है तो जो TV का वॉल्यूम है वो कम हो गया है। और अगर मान लीजिए मैं कॉल को कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर आपको वारंटी के बारे तो देखिए TV का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ जाता है। ये भाग है यहाँ पर, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये बाहर आ जाता है। और इसके अंदर है एक USB टाइप सी पोर्ट जिसका उपयोग करके जो रिमोट है उसे आप चार्ज कर सकते हैं। व्यूइंग एंगल्स काफ़ी बढ़िया है, देखिए दूसरे एंगल से। तो दोस्तों OnePlus ने दो TVs लॉन्च किया है। एक तो है Q1 जिसकी कीमत है 62,999 रुपीस और ये Q1 Pro जो मेरे पास है इसकी कीमत है 99,899 रुपीस। वैसे TV तो काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया फीचर्स के साथ में आता है, स्क्रीन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि OnePlus का जो ब्रांड है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा है इसका। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।